नमस्कार, स्वागत है आपका बोल्डस्काई में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयार। दीपिका पादुकोण के फैंस दुनिया भर में मौजूद है। उनके नाम से अलग अलग देशों में फैन क्लब भी चलाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो उनके कई फैन पेज हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि दीपिका पादुकोण किसी पराठा थाली या ढोसे का नाम हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो जगहों के मेन्यू कार्ड वायरल हो रहे हैं। एक फोटो अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन प्रांत का है, जहां पर ढोसा लैब्स नाम के रेस्टोरेंट में दीपिका पादुकोण के नाम का ढोसा बेचा जा रहा है। ढोसे की लिस्ट में अलग अलग तरह की वैरायटी का जिक्र है, जिसमें से एक दीपिका पादुकोण है। इस ढोसे में ग्राहकों को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, गोश्त, चिली और आलू मिक्स का स्वाद मिलता है। इसकी कीमत $10 रखी गई है। वहीं पुणे के एक रेस्टोरेंट में तो दीपिका पादुकोण के नाम की पूरी थाली मौजूद है। मेन्यू कार्ड में थाली का नाम दीपिका पादुकोण पराठा थाली लिखा गया है। इसमें ग्राहक सब्जी, राजमा छोले, दाल मखनी, रोटी, चावल, सलाद, पापड़, स्वीट डिश आदि का जायका ले सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को देने होंगे ₹600। वैसे इस रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू खास है। इसमें कोई भी थाली नॉर्मल नहीं है। बात अगर दीपिका पादुकोण की करें तो फिलहाल दीपिका पादुकोण हनीमून के लिए रवाना हो चुकी है। जी हाँ, नए साल से पहले दीपिका और रणवीर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां दोनों ब्लैक आउटफिट्स में नजर आए थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दीपिका और रणवीर कहां गए हैं, लेकिन सिम्बा की रिलीज के बाद दीपिका और रणवीर ने हनीमून पर जाने का फैसला किया है। फिलहाल रणवीर अपने हनीमून के साथ साथ सिम्बा की सक्सेस को भी इंजॉय कर रहे हैं। सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ ही फैंस को सिम्बा काफी ज्यादा पसंद आई है। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हनीमून के बाद दोनों वापस काम पर लौटेंगे और काम की तरफ फोकस करेंगे। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।